इंडिया गेट में तो एक बार आना तो बनता। कदम कदम बढ़ा, रियलिटी देखो ये रियल में है भाई। इधर गेट ही नहीं पता चल रहा है कि गेट किधर। यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है पिकनिक का पूरा चलाने का शौक होना था, अब यहाँ पे ये चला सकते हैं। यार जो भी खाते हैं इतनी जल्दी पर नीचे से अंडर पास का पूरी जनता बैठी हुई है। तो ये है हमारा इंडिया गेट। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कविता, आप सभी का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। और पीछे मेरा भाई आ रहा है, भैया हाय बोलो। हाय। तो हम लोग आ रखे क्या था, हम लोग अभी आए हुए हैं आप लोगों को दिखाने इंडिया गेट। तो इधर आए हम लोग एक्सप्लोर करने के लिए, और जैसे इधर के साइड आए जो हमें भीड़ नजर आई, भैया हो गए ये क्या है। आज एक्चुअली संडे भी है तो काफी रश है। सो हम लोग यहाँ पे गेट ही ढूंढ रहे कि कहाँ से एंट्री लेना है, बस बढ़ते जा रहे हैं, आगे जाना है, आगे से एंट्री होगी। तो चलो शुरू करते हैं आज के ब्लॉग। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। नीचे प्यारा सा लाल कलर का बटन होगा जी, उसे खचक से दबाकर मेरी प्यारी सी यूरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा। भाई इधर गेट ही नहीं पता चल रहा है कि गेट किधर है, ये अंदर के साइड जाना हम भारी है अभी फिलहाल, तो पता नहीं कहाँ गेट, तो किसी से पूछते हैं फिर चलते हैं अंदर। आगे से आगे से है, तो अभी और भी आगे जाना है, काफी दूर आना पड़ रहा है यार, मतलब इसके अंदर एंट्री लेने के लिए। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। चलते हैं आगे। यहाँ पे ना ये खस्ता कचौड़ी मिलती है, खस्ता रहता है उसमें गरम गरम आलू का साग डालते हैं, मतलब रसदार आलू रहता है, काफी स्पाइसी रहती है मतलब वो सब्जी। सो वो आप लोग ट्राई कर सकते हो, मैंने एक बार खाई थी तो पता है टेस्ट। आगे से ना यहाँ सो सब बेचारे चलते जा रहे, किसी को रास्ता पता ही नहीं है कि कहाँ से एंट्री लेनी है। और दिल्ली आए यहाँ पर नहीं आए तो अधूरा सा लगता है। इंडिया गेट में तो एक बार आना तो बनता है। और सच में ये सारी चीजें मैंने केवल कह सकते हैं बुक्स में, और जब हम स्कूल डेज में तभी देखते थे, या फिर हम नेट में इंटरनेट में ही देखते थे। और जब सामने से देखो तो एक अलग सा ही मतलब लुक नजर आता है कि रियलिटी देखो ये रियल में है। सो अच्छा लगा, जैसे मैंने ऑटो से मतलब ऑटो से आ जमा है उससे देखा ना तो ऐसा लगा इंडिया गेट ऐसा हुआ। मतलब मेरे को एक्साइटमेंट इसलिए है क्योंकि मैं पहली बार इधर आई हूँ, पहली बार देख रही हूँ। भैया ने तो बहुत बार देखा है, बहुत सबने देखा जो दिल्ली में आते हैं। सो मैं भी दिल्ली में आई हूँ तो इंडिया गेट देखे बिना जाऊँगी तो ऐसा लगेगा कि अधूरा सा मतलब कुछ छूट गया है। फाइनली हम लोग गेट में पहुँच गए जहाँ से एंट्री होती है। चलो भाई एंट्री तो हमने ले ली फाइनली गेट से। और मेरा भाई पीछे छूट गया, आ रहा है ना मुझे लगा कहाँ छूट गया। सो इतने दूर ये गेट है ना कि थक गए यार यहाँ पहुंचते पहुंचते। गर्मियों के टाइम पे तो आई थिंक शाम को यहाँ पे इधर साइड आओ तो अच्छा लगेगा, क्योंकि छाव हो जाती है, लाइट चलती है तो बहुत अच्छा लगता है। और यही पे अभी हमने ना, हमें भूख लग गई थी तो हमने यहाँ पे कुछ खाया स्ट्रीट फूड में। भैया ने बर्गर ट्राई किया लेकिन वो बर्गर क्या ही बर्गर था, मतलब इट वाज लाइक वेस्ट ऑफ मनी। तो यहाँ पे बोला ऐसे कि कुछ भी मतलब लोग बेच रहे हैं, बहुत ही बेकार था। लेकिन हमने भेलपूरी खाया वो थोड़ा सही था, लेकिन बर्गर वॉज लाइक सो बस अब हम यहाँ पे पहुंच गए। तो आप लोगों को यहाँ पे शाम का नजारा दिखाते हैं, लाइट जल रही है धीरे धीरे तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड इवनिंग टाइम में यहाँ पे मुझे लगता है सबसे ज्यादा क्राउड होता होगा, दिन में तो कौन ही आएगा, आते भी होंगे थोड़े बहुत, लेकिन अभी बहुत ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पे दिख रहे हैं। मेरे सामने ही वहाँ पे है लोग। दिल्ली है मेरे यार यहाँ इश्क मोहब्बत बस प्यार लिरिक्स भी याद है, बट आई कैन फील द क्या बोलते हैं, ये दिल्ली है मेरे यार, ये देख सकते हो ना भैया कैसन कैसन बा ठीक बा बेकार बा ऐसे मत बोले यार, मेरी एक्साइटमेंट तो थोड़ा ज्यादा है क्योंकि मैं पहली बार आ रही हूँ। भैया इतनी बार आ चुका है कि भैया को वैसा हुआ है यही है। तो चलते हैं यहाँ पे, चल रहे उधर साइड की, इधर से एक्चुअली भीड़ इस वजह से भी है क्योंकि बच्चों की ना छुट्टियां भी पड़ रखी है, पेपर वगैरह हो चुके हैं, तो अब नया सेशन शुरू होगा और संडे भी है इस वजह से, तो सब बच्चों को लेकर और सब मतलब घूमने आए हुए हैं। तो ये है हमारा इंडिया गेट जस्ट मेरे पीछे, और इसमें देखो कलर भी बना हुआ है फ्लैग का, इंडिया फ्लैग का, और वहाँ पे इंडिया भी लिखा हुआ है। कितना सुंदर लग रहा है यार, लाइट्स में बहुत सुंदर लग रहा है। सो पास से जाके देखते हैं। सो चलो हमें जगह भी पता नहीं मिलेगी कि नहीं। यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है पिकनिक का पूरा माहौल हो रखा है, सब लोग पिकनिक मना रहे हैं, यहाँ पे खा रहे पी रहे, फोटोज भी यहाँ पे खिंचा रहे हैं, यहाँ पे फोटोग्राफर्स है जो फोटो खींच रहे हैं, ऑफकोर्स उसका चार्जेस लेते होंगे। और यहाँ पे सब अंदर जाके भी फोटोज खिंचा रहे हैं। चलिए हम लोग भी उधर, फाउंटेन भी भैया बहुत सुंदर लग रहा है।
इधर चलते इधर साइड से। सो लेट्स गो। सो दोस्तों ये है इंडिया गेट। ये मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रखी है, बहुत अच्छा लग रहा है यार। हमने पास में इंडिया गेट को अच्छे से देख लिया। आप लोग भी एक बार देख लीजिए, ये है इंडिया गेट। और अंदर तो अलाउड नहीं है, यहाँ तक मतलब बाउंड्री बनाई है, यहीं तक आपको अलाउड होगा। तो ये इंडिया गेट। और अब हम आगे की साइड चलते हैं। एक जो मेरा सपना था इंडिया गेट को देखने का कैसे बोल रहे सपना था, बट यार एक बार देखना था तो फाइनली मैंने देख लिया, अच्छा लगा। तो यहाँ पे फोटोज भी खिंचवा सकते हो आप प्रोफेशनल तरीके से। अब हम इधर फाउंटेन है, उधर की साइड जा रहे हैं, थोड़ा बहुत घूमेंगे। एंड या और तो कुछ नहीं है यहाँ पे, बस इंडिया गेट है। तो यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें आपको बाहर मिल जाएगी, यहाँ पे तो बस लोग बैठ रहे हैं और फोटोज़ और वीडियोज ही बना रहे हैं। और इधर जो वाइब्स है ये देख सकते हैं, यहाँ का माहौल। सो ये है यहाँ का फाउंटेन। यहाँ पे पैर डाल के बैठे हुए हैं, सही है। और देखो सब बैठे हुए हैं, तो सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, पैर डाल के बैठे हुए, सही है। सब रिलैक्स कर रहे हैं अपने आपको यहाँ पर। सो इधर पेड़ पौधे भी उगाए गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं फूल बहुत सारे दिख रहे हैं मुझे। यहाँ पे टहलने के लिए बहुत अच्छा है ना भैया, टहलने के लिए ही बना ये। यहाँ पे बस हम भी टहल रहे हैं और लोगों को देख रहे हैं, लोग जो जो करते जा रहे हैं हम उन्हीं को बस देख रहे हैं। बच्चों को लेके आओगे तो अच्छा लगेगा, मतलब उनके साथ ऐसा हो जाता है कि पिकनिक बन जाता है, तो उनके साथ अच्छा लगता है। एंड जिनको पहली बार जैसे मेरी तरह देखना हो तो वो भी यहाँ पर आ सकते हैं देखने के लिए। और अब हम बस वॉक ही कर रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अभी हम उस साइड पे अवल साइड आ गए, तो इधर से भी आप इंडिया गेट का नज़ारा देख लीजिए, सेम ही है, ठीक है। अंदर तो एंट्री रहती नहीं है, बस इधर से मतलब सर्कल में ही अलाउड होता है। सो इधर से नज़ारा कुछ ऐसा है, इधर भी सब पूरी जनता बैठी हुई है, आराम फरमा रही है और करेगी भी। क्या भैया कह रहे हैं यार इस किस बात की इतनी भीड़ है। मैंने कहा कुछ लोग तो होंगे जो मेरे तरह आ रखे होंगे यहाँ पे मतलब देखने के लिए इंडिया गेट, और कुछ लोग अपने बच्चों के साथ आ रखे होंगे पिकनिक बनाने के लिए। और संडे है तो भाई घर में भी क्या करते हैं, बाहर चल के इंजॉय कर लेते हैं, लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं। हम तो वॉक करते जा रहे हैं और ऐसे ही एक्सप्लोर करते करते आगे बढ़ते जाएंगे और जो जो चीज़ें होंगी आप लोगों को भी दिखाते जाएंगे। सो चलते हैं। कीचड़ बहुत हो रखा है यार यहाँ पे, कीचड़ पानी पानी से। ये अंडरग्राउंड पाथ बनाया गया है जिससे आपको रोड ना ऊपर से क्रॉस नहीं करनी पड़ेगी, मतलब ऑफकोर्स ट्रैफिक की वजह से बहुत भीड़ रहता है वहाँ पे, मतलब गाड़ियों की भीड़ रहती है, क्रॉस करने में दिक्कत होता है। तो ये नीचे से अंडर पास बनाया गया है, सब लोग यहाँ से जा रहे हैं। दिस इज गुड यार, ये सही तरीका है, मतलब आराम से जिनको रोड क्रॉस करने में मतलब दिक्कत होती है वो आराम से इसे क्रॉस कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत थोड़ा सा ना यू नो एक्सीडेंट होने के भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसे आराम से जा रहे हैं हम लोग और सब लोग यही यूज कर रहे हैं। और जनता देखो भाई, सही है, इधर से आ रहे हैं इधर से जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारा स्ट्रीट फूड हमें दिख रहा है, बाहर हमारा एक्सपीरियंस बहुत बेकार था फूड का, तो हम यहाँ पे थोड़ा कुछ ट्राई करने आए हैं। यहाँ घूमते घूमते ना यार जो भी खाते हैं इतनी जल्दी पच जाता है कि क्या बताऊँ। सो देखते हैं कि यहाँ पे कुछ ढंग का मिल जाए हमें खाने का, तो ऑफकोर्स हम लोग खाएंगे, कुछ अच्छा दिखे तभी ही खाएंगे, अदरवाइज नहीं खाएंगे, क्योंकि वेस्ट ऑफ मनी नहीं करना हमें, क्योंकि टेस्ट होना चाहिए यार खाने का, पैसे पैसे लगाओ, टेस्ट ना मिले तो ऐसे तो चलेगा नहीं। तो देखते क्या खाते हैं। यहाँ पर खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन यहाँ खाने के टेस्ट में वो बात नहीं है, प्लस चार्जेस भी बहुत ज़्यादा है। जैसे 80 रुपीज़ की यहाँ पे प्लेट टिक्की मिल रही है, सो थोड़ा मुझे कॉस्टली लगा, तो हम लोग यहाँ पे हाफ प्लेट ट्राई कर रहे हैं, लेट्स सी उसका टेस्ट कैसा होता है। आपको बाइक चलाने का शौक होना तो आप यहाँ पे चला सकते हो, बड़े भी चला सकते हैं, 50 रुपीज़ इसका चार्ज है। मैंने सोचा मैं भी चलाऊँ, बट थोड़ा सा मैं डर गई कि कहीं भीड़ भाड़ इतनी है। वैसे बाइक चलाने का मुझे भी शौक है, मतलब अच्छा लगता है मुझे, चलाने का मन करता है, बट मैंने अभी कभी ट्राई नहीं करी, सीख रही हूँ धीरे धीरे, फिर मैं चलाऊंगी। सो अभी इतनी भीड़ भाड़ है कि कहीं भीड़ गई तो मुझे गाली ना पड़ जाए। लेकिन यहाँ पे चार्जेस मतलब 50 रुपीज़ थे, अगर आपको चलाना तो आप चला सकते हो, बच्चे वैसे चला रहे हैं लेकिन बड़े भी चला सकते हैं। सो दोस्तों ये हमारी चाट 40 रुपए की सिंगल टिक्की, जिसमें केवल एक आलू की टिक्की है और कुछ भी नहीं है, मटर वगैरह कुछ भी नहीं डाला है और दही वगैरह चटनी डाल के दिया है। सो दोस्तों ये है टिक्की 40 रुपए की, जिसमें एक आलू की टिक्की है और कुछ भी नहीं है, एंड टेस्ट कुछ भी नहीं है यार। मतलब यहाँ पे खाने पीने का सीन मुझे सही नहीं लग रहा है, जली भी थोड़ी सी हुई है। यहाँ पे खाने पीने की चीजें तो होती हैं लेकिन स्वाद बिल्कुल भी नहीं है यार। लाइक हमने 2-3 चीजें चखी लेकिन वर्थ इट बिल्कुल नहीं थी, और प्राइस भी बहुत ज्यादा था, लेकिन भूख लग रही थी इस वजह से हमने ट्राई किया।
अदरवाइज नहीं करते। सो यहाँ पे खाने पीने का सीन तो मतलब ओके ओके है, स्ट्रीट फूड में अच्छी जगह है आसपास, रेस्टोरेंट तो मुझे जरूर बताइएगा। यहाँ पे देखिए बच्चों के लिए कितनी प्यारी प्यारी यहाँ पे ये क्या बोलते हैं गाड़ी वगैरह खिलौने वगैरह हैं, और कितना लाइजर रहता है, अच्छा लग रहा है। आइसक्रीम खा सकते हो आप लोग आइसक्रीम अगर आपका मन करे। सो इधर साइड चलते हैं थोड़ा सा, ये जो झील टाइप की बनाई है ना इधर साइड बहुत अच्छा लग रहा है। ये है वो बाइक, देखो इसमें लाइट भी जल रही है अच्छा लग रहा है यार। सो शाम के वक्त तो आप घूम भी सकते हो क्योंकि ठंडा हो जाता है माहौल, और आज ना फिलहाल मौसम काफी अच्छा था, साथ दे दिया। ये ना बच्चों के पास ये उड़ाने वाले हैं, ये देखो नीले नीले से आप लोगों को दिख रहे कि नहीं, ऐसा लग रहा है रॉकेट शॉ ऊपर से जा रहा है और लाइट मतलब नीचे ये आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो यहाँ, अरे अरे बेटा पेड़ पौधे में मत जाओ, उधर इधर नहीं उधर चलाओ, उधर उधर इधर पूरे खराब हो जाएंगे। ये गाड़ी चला रहा है अपना, तो ये देख सकते हैं रात का नजारा कुछ ऐसा है। बच्चों के लिए बहुत मतलब सही है, बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है, पूरी फैमिली आई हुई है और हर जगह लाइट, लाइट 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 दिख रहा है। सो यहाँ पे आपको बहुत भीड़ देखने को मिलेगी यार, मतलब यहाँ पे बिल्कुल शांति तो है ही नहीं। खाने पीने का सेक्शन भी उधर है, इधर भी बाहर मतलब आउटसाइड लगा हुआ है स्ट्रीट फूड, आराम से लोग बैठते हैं खाते हैं पीते हैं एंजॉय करते हैं, इंडिया गेट को सामने देखते हैं, या यूएस से देखो उधर से देखो पूरे मतलब अच्छे तरीके से आपको इंडिया गेट दिखेगा। ये देखो लाइट जो जल रही है बहुत सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे घूमते हैं ना तो बच्चों का बहुत ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इतना रश वगैरह है तो हाथ छूट गया तो मिलना मुश्किल हो जाएगा, तो बच्चों की सेफ्टी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और सबके हाथों में देख सकते हैं ना कुछ बच्चे पकड़े हुए हैं, सो बच्चों के साथ यहाँ पे असली मजा है। और यार इधर भी उधर भी मतलब इंडिया गेट के उधर भी और इधर भी मानसिंह रोड ये है, इधर हर जगह मतलब ऐसे ही माहौल है, उस साइड भी इधर भी इधर भी। सो सही है, और हर कोई या तो चलता जा रहा है या तो बैठा हुआ है, और तो कुछ नहीं है यहाँ पे दिखाने के लिए, यही चीज है। और मेन इंडिया गेट तो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया है। चलते चलते पैर इतने दर्द हो रहे हैं ना यहाँ पे भैया, चलने का बहुत सिस्टम हो जाता है। सो दोस्तों पीछे आप मेरे देख ही रहे होंगे यहाँ का नजारा क्या है, बहुत भीड़ रहता है यार, बहुत क्राउडेड रहता है, और मेरा मकसद था बस इंडिया गेट को देखना, मैंने जो देख लिया। और यहाँ पे एक लड़ाई बहस भी चल रही है अंकल की, पता नहीं क्या चल रही है। और सच में मतलब यहाँ पे पीसफुल आपको बिल्कुल नहीं लगेगा, बहुत रश लगेगा। खाने का एक्सपीरियंस भी मेरा कुछ इतना खास नहीं था, लेकिन इंडिया गेट देख के मुझे थोड़ा सुकून मिला, एंड अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। सो आई होप आप लोग मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, नीचे प्यारा सा लाल कलर का बटन होगा उसको खचक से दबाकर मेरी प्यारी सी यूरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।